भोपाल के रातीबड़ में अनोखी कार रेस हुई, जिसमें शामिल कारें पेट्रोल या डीजल से नहीं बल्कि सोलर एनर्जी से चलती है। इलेक्ट्रॉनिक सोलर व्हीकल चैंपियनशिप में आज सोलर कारों ने अपना जलवा दिखाया। इसके साथ ही इन कारों ने जहां इस रेस में अलग अलग बनाया था, वहीं पर्यावरण को बचाने का कहीं ना कहीं संदेश भी दिया। भोपाल के रातीबड़ में हो रहे सोलर इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की इस चैंपियनशिप में इस तरह की 36 कारों ने हिस्सा लिया, जिसे छात्रों ने 6 महीने की मेहनत के बाद तैयार किया है। अपनी तरह के इस खास कार में लगी सोलर प्लेट को भी विद्यार्थियों ने ही डिजाइन किया है। महज 1,25,000 की इन कारों में खूबियां ही खूबियां हैं। ये जहां वजन में हल्की और लागत में बहुत कम है, वहीं खास डिजाइन के चलते इसे कृषि कार्यों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। छात्रों ने अभी ऐसी करीब 36 सोलर कारें बनाई हैं। सोलर एनर्जी से चलने की वजह से इससे पर्यावरण को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। छात्रों का अगला कदम इसे सड़कों पर दौड़ाने का है। आज पूरे विश्व में फ्यूल प्रदूषण एक महामारी की तरह उभर कर सामने आई है, साथ ही हमारे सामने जीवाश्म ऊर्जा भी सीमित है। ऐसी स्थिति में विद्यार्थियों की एक खोज देश में एक अलग तरह की क्रांति ला सकती है। बस जरूरत है इन विद्यार्थियों के हौसलों को पंख देने की, ताकि ये अपनी खोज से हरित भारत के सपने को साकार कर सके। स्वेच्छा राठौर, इंडिया न्यूज़, भोपाल।